अस्सलामुअलैकुम। आज हम 5 क्लास की मैथ का नेक्स्ट पोर्शन करते हैं। हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि LCM, HCF, फैक्टर ये मैंने सारा कुछ पहले करवा दिया है। अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं कि देखें HCF की जस्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर वो होता है जो जिस पर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए कोई भी नंबर, ठीक है। अगर प्राइम नंबर्स की पूछा जाए तो प्राइम नंबर वो होता है जैसे कि 5, 7, जिनके जो 1 पे डिवाइड हो और किसी पे भी डिवाइड ना हो। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिस जो 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स में हैं। ये देखिए जिनके ज़्यादा फैक्टर्स बने हैं, जैसे 4 का फैक्टर क्या बनता है, 1, 2 और खुद 4। 4 के 3 फैक्टर बन गए तो ये कंपोजिट नंबर होगा। 8 के कितने फैक्टर्स बन जाएंगे, 1, 2, 4 और 8। 4 के 4 फैक्टर्स बन जाएंगे, ये भी कंपोजिट नंबर होगा। प्राइम नंबर्स वो होगा जो जस्ट 1 पे डिवाइड हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। वो कहता है कि 12 और 16 का क्या फाइंड करें, HCF फाइंड करें। आप लोगों ने ऐसे डिवाइड कर लेना है और जो उसमें से कॉमन आए आप लोगों ने उसका सर्कल लगा के मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल LCM आ जाएगा, HCF आ जाएगा। इन दोनों का HCF ऐसे फाइंड कर लेना और LCM की डेफिनेशन देखिए। कहते हैं कि सबसे छोटा कॉमन फैक्टर जो दोनों में 4 और 8 का, एक सिंपल तरीका यह है कि 4 और 8 का टेबल लिख लो। टेबल लिख के और उन दोनों में सबसे छोटा कॉमन फैक्टर जहाँ भी आए वही आप लोगों ने बता देना कि ये कॉमन फैक्टर्स है। आप लोगों को ऐसे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी ये देखें 4 और 6 का पूछा हुआ है LCM, तो आप लोगों ने इसका टेबल लिख लेना। टेबल लिख के पहला कॉमन नंबर जो भी बनेगा वो इसका क्या बन जाएगा, LCM बन जाएगा। ये शॉर्ट वे है फाइंड करने का LCM। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। HCF ऑफ द टू नंबर्स इज 1 देन द नंबर आर, अगर किसी भी नंबर का है HCF 1 आ जाए तो वो क्या नंबर होगा, कोप्राइम होगा, ओके। ये देखिए ना कि ये 5 और 2 1 और 5 1 और 7, इनका जो भी आएगा वो 1 आएगा कॉमन, मतलब दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो ये इसलिए कोप्राइम इसको कहते हैं। अच्छा इसमें देखिए HCF 5, 10 और 15 का क्या बन जाएगा, इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 5 इसमें कॉमन आ रहा, तो इसके HCF क्या बन जाएगा, 5। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके ज़्यादा फैक्टर्स बने। 4, 2, 8 को डिवाइड करने किसे डिवाइड होगा, अभी ये देखें हमने अभी रूल पढ़े थे 4 का 2 का 8 का कि क्या होगा। अभी 4 का रूल क्या है कि 2 नंबर्स डिवाइड होने चाहिए, इसमें से 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। अभी 4 का रूल है कि 2 नंबर्स उस 4 पे डिवाइड होने चाहिए, तो वो 28 4 पे डिवाइड होता तो इसका क्या बन जाएगा, 4। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3 इज़ आल्सो डिवाइड बाय, वो कौन सा नंबर है जो 2 और 3 पे डिवाइड हो रहा था, वो कौन सा बन जाएगा नंबर। कहता है कि 6 का से भी वो डिवाइड होगा 5 में। 6 में कहता है द लीस्ट नंबर अमंग द कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 5, इन दोनों के अंदर से सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा है। अभी देखिए इनके 6 का टेबल लिख लिया, 5 का टेबल लिख लिया, अभी 5 और 6 30 पे जाके मैच होते हैं, तो 13 दोनों में LCM बन जाएगा। LCM का मतलब यही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट LCM ऑफ द टू प्राइम नंबर इज़, LCM दो प्राइम नंबर से क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाता है, ओके। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डिविजिबल बाई 2 एंड 3 एंड 5, जो छोटा नंबर कौन सा जो तीनों पे डिवाइड होता है, 30। इसमें देखते हैं 9 में, फाइंड द LCM ऑफ 22, 23 एंड 25। अभी देख लेंगे आप लोग तीनों 22, 23 एंड 55, ये आप चेक कर लेंगे ये किस टेबल में आते हैं, ये 11 के टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आते, तो सिंपल आप लोग बता सकते हैं कि ये इसका HCF जो होगा वो 11 होगा। इसमें भी आप लोग, अच्छा आप लोगों ने ये देख लेना है कि जो भी 42, 48 एंड 56 कुछ भी दी होगी वन, तो आप लोगों ने इनका LCM या HCF फाइंड कर लेना है।
अभी इसमें आप लोगों ने क्या फाइंड कर लेना है, अच्छे से फाइंड कर लेना है, अच्छे से इनका क्या बनेगा। अब 42, 48 एंड 54 ये 6 के टेबल में आते हैं। इधर भी टेबल से पता चल गया, इधर भी टेबल से पता चल गया। ये एक शॉर्ट वे भी है ताकि एमसीक्यूज़ को आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर लें। अच्छा 11 में क्या कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डेट कैन डिवाइड एग्जैक्टली, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करें जो तीनों पे डिवाइड होता है। इसका भी आप लोग गौर से देखें तो टेबल से पता चल रहा है, 15 का टेबल एक वही टेबल है जो तीनों पे आ रहा है, 10 का 45 पे नहीं आ रहा, 30 का भी 45 पे नहीं आ रहा, तो 15 का टेबल है जो तीनों को डिवाइड करा है 11 में। 12 में देखें कि फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द पॉट डेट कैन मेजर द मिल्क। अभी मिल्क की नंबर्स दिए हमें 24 लीटर, 36 लीटर, 48 लीटर, तो जहाँ भी ये चीज़ें आ जाएंगी आप लोगों ने एलसीएम अच्छे से लेके फ़ौरन चेक कर लेना और ख़ास तौर पर अच्छे से ले लेना, ठीक है। इसका एलसीएम फाइंड कर लेना। एलसीएम फाइंड करने के लिए 15, 25 और 45 का या तो टेबल लेंगे, या फिर अगर अमाउंट बढ़िया चाहिए तो आप लोगों ने ऐसे कर लेना, ठीक है। ऐसे करके 15, 25, 45 सिंपल ऐसे चेक कर लेना। अच्छा फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द स्मॉलेस्ट गैलन डेट कैन बी फिल द कम्प्लीटली बाय द गैलन मेजर द 2, 3 एंड 4 लीटर्स। अब कहते हैं कि इसमें स्मॉलेस्ट गैलन कौन सा है, नंबर्स गिवन है 2, 3, 4, तो अभी आप लोगों इनका भी क्या कर लें, एलसीएम ले लें, तो हम लोगों का आंसर निकल आएगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द ट्रॉफीज विच कैन बी एग्जैक्टली डिवाइड द अमंग 5, 10 एंड 15 चिल्ड्रन, ठीक है। कितने चिल्ड्रन में, चिल्ड्रंस में डिवाइड की गई है 5, 10 एंड 15 में, तो इनका क्या कर लें, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, 12 एंड 18, एलसीएम। ऐसे 9 का, 12 का और 18 का। अब एलसीएम मैंने बहुत ज़्यादा उसमें चेक वो किया है, बहुत ज़्यादा वीडियो में प्रोवाइड कर दिया था, तो इसलिए आप लोग ये खुद से कर लें। आज इधर तक ही करते हैं, नेक्स्ट हम और एमसीक्यूज और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप लोग अगर मैं एक या दो वीडियो डेली के अपलोड करती हूँ ना बेसिक मैथ के, आप लोग वो साथ के साथ करते रहें ताकि आप लोगों ज़्यादा भी ना करें, एक दो वीडियो करते रहेंगे ना, इससे आप लोगों की मैथ भी अच्छी हो जाएगी और बाकी सारे सब्जेक्ट भी हो जाएंगे। अगर आप लोगों की मैथ नहीं है तो, अगर आप लोगों की मैथ है तो फिर आप लोग को ये बहुत इजी से, ये तो बहुत इजी है, आप लोग कर लोगे मैथ वाले तो, और जिनकी मैथ नहीं है वो तो ये एक एक वीडियो करें, उनकी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका रिमेनिंग पार्ट रह गया हम वो करेंगे, अभी 5 क्लास के ही एमसीक्यूज़ कर रहे हैं।